क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम किसी बॉडी को उछालते हैं या फेंकते हैं और वो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी क्रॉस कर जाए, तो उस कंडीशन में उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? एस्केप हो गई। और उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था एस्केप वेलोसिटी का। जब किसी बॉडी को यहां से फेंका जाता है बेटा, तो एस्केप वेलोसिटी आती है हमारे पास, किसी ऊपर से फेंक रहे हैं थोड़ा सा आर डिस्टेंस से, आर रेडियस हो गई हमारे पास, एच हाइट कैपिटल आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा आर प्लस आर। यहां से एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी बेटा? रूट टू जी एम अपॉन आर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था। एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट नेवर रिटर्न बैक, चली जाए और वापस ना आए, तो हम उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सोचिए बेटा, क्या हम हमेशा बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा पर नहीं, ज्यादा पर ही फेंकेंगे या कम पर ही फेंकेंगे या इक्वल फेंकेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे पास तीनों एबिलिटी हैं। हम एस्केप वेलोसिटी से कम पर भी फेंक सकते हैं, ज्यादा पर भी फेंक सकते हैं और इक्वल भी फेंक सकते हैं। जब हम किसी बॉडी को इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फेंकेंगे, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो क्या होगा बेटा? तो वो बॉडी इनफाइनाइट तक जाएगी और इनफाइनाइट पर जाकर रुक जाएगी, इनफाइनाइट पर जाकर रुक जाएगी, जब बॉडी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी से फेंकी जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर बॉडी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी से फेंक दे तो क्या होगा बेटा? तो होगा ये बॉडी इनफाइनाइट तक तो जाएगी लेकिन वहां जाकर रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो यहां से भी आगे चली जाएगी। आगे कहां जाएगी भाई, ये तो हमें नहीं पता आगे कहां जाएगी, लेकिन हमें इतना पता है कि वो बॉडी कुछ वेलोसिटी कंटेन करेगी इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। और तीसरी बात, जब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी, हम बॉडी की वेलोसिटी एस्केप से कम पर फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा? तो बॉडी इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, रास्ते में ही रुक जाएगी और वापस आ जाएगी, एच हाइट तक आएगी। ये दोनों केस, तीनों केस हम स्टडी करेंगे बेटा आज, ज्यादा एस्केप वेलोसिटी से, कम एस्केप वेलोसिटी से। इक्वल टू तो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वहां पर पहुंचकर रुक जाएगी। तो एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन में कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन की फॉर्मेशन में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इफ अ बॉडी इज थ्रोन विद थ्राइज ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, थ्राइज ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड 3 times the escape velocity from the surface of Earth, what is the velocity of a body when it reaches to infinity? जब वो बॉडी इंफिनिटी पर पहुंच जाएगी तब वेलोसिटी कितनी होगी इंफिनिटी पर पहुंचने पर? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जीरो नहीं होगी, जीरो तो तब होती जब वो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी से फेंकते। चलिए कंसंट्रेट करते हैं बेटा, और टेक्निकली कंसंट्रेट करेंगे, फॉर्मूले वाइज कंसंट्रेट करेंगे, सो दैट 3 times की जगह अगर 5 times आ जाए, 2 times आ जाए, 10 times आ जाए, तो भी हम उस क्वेश्चन को कर पाए। मान लीजिए अर्थ हमारी आर रेडियस, सेंटर ओ, एम मास,
सरफेस से स्मॉल एम मास की बॉडी को फेंक दिया, इनफाइनाइट पर पहुंच गई, वेलोसिटी हो गई वी इनफाइनाइट। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी बेटा, वी थी, जो कि एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी। यहां से बॉडी को फेंक दिया तो हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ए पर, मैकेनिकल एनर्जी बी पर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर इक्वल आएगी बेटा। और क्योंकि यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ हाफ एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन इनफाइनाइट, जी एम एम अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, एम सबके कैंसिल हो गए तो वी ए स्क्वायर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी वी ए स्क्वायर जिसे मैं वी बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय टू माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट स्क्वायर बाय टू। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस टू जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट स्क्वायर। और देखो बेटा एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये वैल्यू क्या है, एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, तो वी स्क्वायर आ जाएगा टू जी एम अपॉन आर। ये वैल्यू उठाकर हम यहां डाल देंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वी इनफाइनाइट स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास, जो कि हमें बताएगा कि इनफाइनाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी जब हम बॉडी को मोर देन एस्केप वेलोसिटी थ्रो करेंगे। तो मोर देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इज इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ v, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा, v इज इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ v, वैल्यू डाल देंगे सो इट विल बी थ्री वी इनफाइनाइट, थ्री वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट स्क्वायर, नाइन वी स्क्वायर माइनस वी वी इनफाइनाइट स्क्वायर, एट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट स्क्वायर, वी इनफाइनाइट इक्वल टू टू रूट टू वी, टू रूट टू वी। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू डाल देंगे बेटा यहां पर, तो जो भी आंसर आ जाएगा आपका वो आपकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने इनफाइनाइट पर वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी निकाल लिया बेटा। किसी को कंफ्यूजन हो इसमें तो मुझे बताएंगे, सर इस स्टेप में यहां कंफ्यूजन है, ये एक जनरल कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आपका मैंने एक फॉर्मूला यहां ड्राइव कर दिया बेटा, करेंगे और बताएंगे किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर किसी भी तरह की तो मुझे बताएंगे। सर आपने 9ve स्क्वायर के बाद ve लिखा था, 9ve स्क्वायर के बाद हाँ एक स्क्वायर हट गया बेटा, स्क्वायर लगा देना इसमें, 8ve स्क्वायर आएगा और उसके बाद रूट हटा देंगे और आंसर आ जाएगा। प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे बेटा।
और बताएंगे बेटा किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद हम दूसरा केस पढ़ेंगे बेटा इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रीत, गुड। इसके बाद दूसरा केस करेंगे बेटा जब हम इसमें एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी, ठीक है गुनगुन, अनुष्का, एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर हम बॉडी को फेंकेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट तक तो नहीं जाएगी, एच हाइट तक जाएगी, देखते हैं कितनी हाइट तक बॉडी जाएगी। ठीक है चंचल, गुड। यशांश, गुड। अगर आपके स्कूल में अच्छा पेपर बन रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, स्क्वायर आएगा यहां पर, याद रखना। चलिए हटा देता हूं बेटा मैं इसको। ठीक वंशिका, वेरी गुड। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, एक बॉडी लेस देन एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। नाउ अ बॉडी इज थ्रोन विद लेस देन एस्केप वेलोसिटी, कितनी हाइट तक ऊपर जा सकती है? क्वेश्चन लिख लीजिए, अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी। मान लो हमसे कह दिया v जो है वो एस्केप वेलोसिटी की हाफ है, एस्केप वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी से, आधी वेलोसिटी से फेंक दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच अ बॉडी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से कितनी ऊपर बॉडी जाएगी? सिंपल वही कंसेप्ट लगेगा बेटा पहले वाला, एक बॉडी अर्थ है हमारे पास, आर रेडियस और एम मास, ओ सेंटर, सरफेस से स्मॉल एम मास की बॉडी को फेंक दिया, वेलोसिटी है वी, एच हाइट तक जाकर अब इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी बॉडी, इनफाइनाइट से पहले ही रुक जाएगी, इनफाइनाइट से पहले ही रुक जाएगी बेटा, और एच हाइट तक पहुंच जाएगी। एच हमें निकालना है कितनी हाइट तक ये बॉडी ऊपर जाएगी, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। यहां तक निकालना है बेटा, इस पॉइंट को ए मान लो, इसे बी मान लो, मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर, मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर सरफेस पर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी बेटा, एम आपके कैंसिल हो गए यहां सबके, तो वी ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच। और यहां से इसको उधर पहुंचा देंगे बेटा, वी बाय टू स्क्वायर बाय टू, कंटिन्यूस रखियो। हेलो हेलो, यस सर, हाँ अब्दुल बोलो। अरे बोलो बेटा, छोड़ दे। चलिए बेटा, आवाज आ रही है मेरी, बताएंगे जरा? हाँ जी सर, आ रही है। हेली आ रही है, चलिए। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, एलसीएम आ जाएगा बेटा आर प्लस एच इंटू आर, और यहां पर हाँ तो ये बच्चे की आवाज,
कनेक्टेड ही था। आ रही है ना? चलिए बेटा, तो यहां से देखो जरा कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे। बिल्कुल सही है, जीएम आपका कॉमन आ जाएगा बेटा यहां से, और बच जाएगा आर प्लस एच माइनस आर, आर से आर कट गया, जीएम एच आर आर प्लस एच वी ए स्क्वायर बाय टू। और वी ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जीएम को क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी आर स्क्वायर को लिख सकते हैं जीएम, ये वैल्यू उठाकर यहां डाल देंगे, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी आर स्क्वायर, ये टू इधर चला गया, एच अपॉन आर आर प्लस एच, एच अपॉन आर आर प्लस एच, और एक आर से एक आर कट जाए, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन आर प्लस एच, टू जी एच अपॉन आर भी आएगा यहां पर, आर भी आएगा बेटा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन, ये आर नीचे चला जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एच मैक्सिमम का, एच मैक्सिमम निकालने का बेटा, ठीक है, वेलोसिटी से एच मैक्सिमम निकालने का। तो अब वी की जगह हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी डाल देना, रेडियस ऑफ अर्थ डाल देना, जी डाल देना बेटा, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। बताएंगे बेटा इसमें फटाफट से, एक थंबा खींच दो, हो गया बेटा, ठीक है रमन, गुड। हो गया बेटा, बोलिए फटाफट रमन, मधुर, पूजा, वंशिका, गौरी, गुनगुन, ठीक है सक्षम, गुड। वंशिका गुड, चलिए बेटा अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर होता है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, रीजन क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थ पर है मून पर नहीं है, अर्थ एयर के मॉलिक्यूल को होल्ड कर पा रही है और मून जो है वो एयर के मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पा रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सब्सटेंस होल्ड कर रहा है एक सब्सटेंस होल्ड नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर व्हाइल अर्थ हैज अ एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अर्थ पर एटमॉस्फेयर होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर समझने पड़ेंगे। एटमॉस्फेयर का होना बेटा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, हम कुछ फैक्टर्स स्टडी करेंगे। तो चलिए फैक्टर की बात करते हैं बेटा हम यहां पर। सबसे पहले ये बताओ एटमॉस्फेयर किस चीज का बना हुआ है? एयर के मॉलिक्यूल का। एटमॉस्फेयर किसका बना है? मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्सेट्रा, गैस के मॉलिक्यूल्स है। गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं या रेस्ट पर हैं? मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली मूव कर रहे हैं। एयर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ये सारे मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है बेटा, इस वेलोसिटी को कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे चैप्टर, हम इस फॉर्मूले को समझेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अभी आप याद रखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3 kBT/m, 3 kBT/m। m क्या है? मॉलिकुलर मास। k क्या है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3 आपका कांस्टेंट है, t आपका टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर। यानी आरएमएस वेलोसिटी, तीनों चीजें कांस्टेंट, दो चीजें कांस्टेंट है, मास और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसीलिए आरएमएस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलता है उसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं बेटा। अर्थ का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ अर्थ 27 डिग्री होगा, 273 + 27 डिग्री, 300 केल्विन आता है बेटा। अर्थ का एक ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर कितना आता है? 300 केल्विन आएगा। अगर हम यहां वैल्यू डाल दें तो जो थर्मल वेलोसिटी आती है अर्थ के लिए, अर्थ के लिए थर्मल वेलोसिटी लगभग 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड आती है बेटा, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारे चारों तरफ जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं इस समय, बहुत तेज मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी तेजी काफी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल अर्थ की ग्रेविटी से पार पा जाएं, अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करके इनफाइनाइट पर चले जाएं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी, बट एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज कितनी है बेटा? एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है जरा बताओ, मुझे याद दिलाओ जरा, एस्केप वेलोसिटी कितनी है? वेरी गुड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कल बताई थी मैंने, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या मॉलिक्यूल अर्थ को छोड़कर जा सकता है? हिम्मत है उसकी? नहीं जा सकता, कितना भी मचलता रहे, कितना भी फड़कता रहे, कितना भी गुस्सा करता रहे, रहना उसे यहीं पड़ेगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। हैंस अर्थ, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। मून की बात करेंगे बेटा, जो मून है, देखिए मून कहने के लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो ग्रेविटी आती है वो अर्थ के कंपैरिजन में समझ में नहीं आया बेटा क्या पूछा आपने। चलिए, तो मून की जो ग्रेविटी है बेटा वो कम आती है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr, ग्रेविटी अर्थ की, अर्थ की कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी
बहुत कम है, जी बाय सिक्स, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है बेटा, छोटी होती है, तो जो एस्केप वेलोसिटी आती है, अनुष्का सर फॉर्मूला समझ नहीं आया थर्मल वेलोसिटी का, समझने की जरूरत नहीं है बेटा, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं ये फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है, अभी अनुष्का इतना याद रखना है बेटा, थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3 kT/m, k क्या है कांस्टेंट, m क्या है कांस्टेंट, 3 क्या है कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है, इनकी वैल्यूज होती है बेटा कुछ ना कुछ, वो हम लोग 13 चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें देखना है थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तभी तो कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। पीयूष बोलो जल्दी। सर जो ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है यही है थर्मल वेलोसिटी? मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या चीज, दोबारा बोलो। सर ये मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है यही है थर्मल वेलोसिटी? हाँ यही है, जिस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल चल रहे हैं, जिसे हम आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं, वही थर्मल वेलोसिटी है बेटा, सेम है दोनों, ठीक है। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी जो आती है वो आती है 5.6 और एस्केप वेलोसिटी 11.2, मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, मून पर ग्रेविटी कम है, टेम्परेचर वही है जो अर्थ का है, टेम्परेचर वही है लेकिन ग्रेविटी कम है, सो एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, मून की एस्केप वेलोसिटी आती है बेटा सिर्फ 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मून छोटा प्लेनेट है, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी छोटी है, कितनी है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये मॉलिक्यूल मून पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी कम है। तो मून पर एस्केप वेलोसिटी है 2.3, हेंस द मॉलिक्यूल एस्केप आउट एंड मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अगर हम रॉकेट से जाकर, अगर हम वहां पर जाकर एक बड़े बड़े सिलेंडर ले जाएं, वहां पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म शुरू कर दें जहां एयर बनने लगे, तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा, वो एयर जो बनेगी वो सब एटमॉस्फेयर से निकलकर, एटमॉस्फेयर से निकलकर इनफाइनाइट तक चली जाएगी, मून पर नहीं रुकेगी। तो मून पर एटमॉस्फेयर तब तक नहीं होगा जब तक या तो वहां ग्रेविटी ज्यादा ना हो या फिर टेम्परेचर कम कर दो। क्वेश्चन आता है बेटा एक एग्जाम में, व्हाट आर द टू फैक्टर ऑन विच एस्केप वेलोसिटी, ऑन विच द एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर डिपेंड, एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, दो फैक्टर बताइए कि एटमॉस्फेयर हो। पहला फैक्टर टेम्परेचर कम होना चाहिए, दूसरा फैक्टर ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी मोर चांस है वहां एटमॉस्फेयर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा ज्यादा चांस है वहां एटमॉस्फेयर होगा, जितना कम ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने कम चांस हो जाएंगे बेटा कि एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि मॉलिक्यूल तेज भागेगा और उड़ जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं आया? किसको नहीं आया मुझे बताएंगे बेटा? सर मुझे मून वाला फटाफट बताएंगे बेटा, मून की ग्रेविटी कम है, मून की ग्रेविटी कम है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम आती है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2gr, जब ग्रेविटी कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम है, कितनी कम है हमने कैलकुलेट करा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है बेटा? मॉलिक्यूल की स्पीड है 5.6, वो मॉलिक्यूल मून पर नहीं रुकेगा और चला जाएगा, ठीक है। बताइए आवाज आ गई तेरी सर? हाँ बेटा। सर वैसे इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी से का रिलेशन है, मतलब एस्केप वेलोसिटी तो इनफाइनाइट तक के लिए होती है,
अरे इनफाइनाइट तक के लिए नहीं होती, जहां से फेंकते हैं वहां के लिए होती है। नहीं मतलब इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए होती है। हाँ इन दोनों का क्या, इन दोनों का रिलेशन क्यों है, मतलब एस्केप वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी का? अरे थर्मल वेलोसिटी आप ऐसे समझ लो कि बेटा आप एक जेल में बंद हैं और आपको बाहर निकलने के लिए 100 रुपए चाहिए, आपको बाहर निकलने के लिए 100 रुपए चाहिए, आपके पास 10 रुपए हैं, क्या आप बाहर निकल पाओगे? आंसर है नहीं। अगर आपको और पैसे मिलते चले जाएं, मान लीजिए 110 रुपए हो जाएं, तो आप बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो किसी भी जगह को छोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वहां से भाग जाने के लिए रिक्वायर्ड है। अर्थ पर मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी केवल है 5.6, एस्केप वेलोसिटी है 11.2, मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। मून पर थर्मल वेलोसिटी तो 5.2 है, 5.6, लेकिन एस्केप वेलोसिटी वहां पर कम है तो मॉलिक्यूल चले जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ? ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसमें अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेटा सैटेलाइट। हेडिंग डाल लीजिए सैटेलाइट, सैटेलाइट हेडिंग डाल लीजिए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है बेटा, कोई बताएगा सैटेलाइट क्या होता है? जब एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कंटिन्यूअसली घूमता रहता है तो उस छोटे ऑब्जेक्ट को उस बड़े ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो अपने आप बन गए बाय नेचर, बाय एनी फिनोमेना जो विच इज अकर्ड इन नेचुरली इन आवर एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से जो बन गए वो नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे मून, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं बेटा जो हम भेजते हैं, हम क्रिएट करते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा उन्हें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई बता सकता है बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सर कौन है पहला आर्टिफिशियल? आर्यभट्ट बेटा इंडिया का सैटेलाइट है। क्या लगता है आपको इंडिया ने सबसे पहले सैटेलाइट भेजा होगा? क्यों बेटा लगता है इंडिया सैटेलाइट भेजता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो, ठीक है, इसरो, और ऐसे ही एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है नासा, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की अलग है, चाइना की अलग है। हाँ तो वो सब बेटा क्या करते हैं? सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है। सबसे पहला सैटेलाइट, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट किसने भेजा होगा बेटा, सोचिए? बिल्कुल सही जवाब रमन, स्पुतनिक वन। स्पुतनिक वन इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय रशिया, लॉन्च बाय रशिया। रशिया ने लॉन्च किया था बेटा, रशिया ने लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया ने भी सैटेलाइट लॉन्च किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा लॉन्च बाय किसने लॉन्च किया था? आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने नहीं, किसने लॉन्च किया था तो उनके नाम पर रखा था, किसने लॉन्च किया था बेटा? आर्यभट्ट। किसने लॉन्च किया था बताइए? सर इसरो नहीं कर रहा। लॉन्च बाय रशिया, रशिया ने लॉन्च किया था, हमने लॉन्च नहीं किया था, हमने तो सैटेलाइट बनाया था, ठीक है, हमने बनाया अपना सैटेलाइट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन अभी हमारे पास लॉन्चिंग पैड नहीं था। जो सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो एक अरेंजमेंट होता है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट की जरूरत थी बेटा हमें। उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमने रशिया को पैसे देकर अपना सैटेलाइट भिजवाया और कहा देखो वो रहा हमारा
सैटेलाइट, ठीक है। तो पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ठीक है जी, जो हमारा था लेकिन रशिया ने लॉन्च किया था। अभी हम अपने सैटेलाइट और छोड़ो, अपने तो छोड़ो, पूरी दुनिया के सैटेलाइट इंडिया अब लॉन्च कर सकता है, करता है। अभी आपने सुना होगा बेटा कुछ दिन पहले एक साथ 106 सैटेलाइट, 104 सैटेलाइट लेकर चला गया। तो इतने सारे सैटेलाइट लेकर एक रॉकेट गया, रास्ते में छोड़ता चला गया सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में, और फिर वापस आ गया। तो सोचिए कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप कर ली। शुरुआत में तो हमारे पास अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करने की एबिलिटी नहीं थी, फिर हम दुनिया का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत ही डेवलपमेंट करने वाली बात है। चलिए इसकी बात आगे करेंगे डिस्कशन। तो ये सैटेलाइट की बात हो गई बेटा, दो तरह के सैटेलाइट, आर्टिफिशियल नेचुरल, दोनों के एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। बुक से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, कैसे सैटेलाइट वर्क करता है, कैसे सैटेलाइट